नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। लखनऊ में दबंगों के हौसले, बोला आशियाना थाना क्षेत्र के सपोर्टगंज में युवक मनमत उपाध्याय के ऊपर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित मनमत उपाध्याय ने बताया, जब अपने घर से सुबह ऑफिस के लिए जा रहे थे तो एक दल उनके रास्ते पर खड़ा था, जिसके कारण से रास्ता बाधित था। अपनी कार से उतरकर उन्होंने गाड़ी चालक को ढूंढने का प्रयास किया। जब वह गाड़ी चालक सामने आया तो उससे कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान उन्होंने जब पुलिस को फोन मिलाना शुरू किया तो पीछे से चालक अजय कुमार और उसके 10-12 अज्ञात साथियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने मनमत उपाध्याय के भाई आए तो उन्हें भी पूरी तरीके से मारा पीटा। सरिया और डंडों से उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले पर पीड़ित ने आशियाना के बंगला बाजार चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। आशियाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जानलेवा हमले की धाराएं नहीं लगाई गई है। पीड़ित उपाध्याय का लखनऊ पुलिस से गुहार है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाए। बताया कि 2 दिन पहले ही पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों से कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई थी। लड़ाई की वजह भी हो सकती है। पीड़ित ने विवेचना अधिकारी दीपक सिंह को अज्ञात युवकों में से कई लोगों के नाम भी बाद में दर्ज कराए, लेकिन एक की गिरफ्तारी हुई और मारपीट की धाराओं में पुलिस ने उसका चालान किया, लेकिन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना गंभीर धाराएं लगाई गई। सर, क्या नाम है आपका, क्या पूरी घटना हुई? मनोज उपाध्याय नाम है मेरा, और मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मेरे भाई के ऊपर जैसे ही हमला मैंने होते देखा तो मैं सोचा कि भाई है मेरा, उसको मैंने तुरंत बचाने की कोशिश की, तो वो लोग इनको छोड़ के मेरे ऊपर हावी हो गए। उनके पास लाठी डंडे थे, कई लोग थे, और उसके बाद वो मारने लगे तो उन्होंने सबसे पहले मेरे चेहरे पे वार किया, और पता नहीं क्यों चेहरे पे ही लोग मुंह पे इसलिए वार कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। हाथ पैर में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे चेहरे पे बहुत मारा। कितने टाके सर लगे आपको? करीब 6-7 टाके मेरे लगे हुए हैं, नाक में लगे हैं 3 टाके करीब, और मतलब कहीं ना कहीं जान से जानलेवा हमला हो गया। अब मैं आप इस चीज को तो ये सरकार जाने और पुलिस वाले भी जाने कि आदमी अगर किसी के हाथ पैर पे ना मार के सिर्फ सर पे और चेहरे पर मार रहा है तो वो क्यों मार रहा है, बस मैं इतना जानना चाहूँगा। पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर कार्रवाई कर सके तो करें, यही मैं अनुरोध करूँगा कि अगर कार्रवाई किसी का करना चाह रहे हैं मतलब करें, क्योंकि ये इस तरह की घटना और भी किसी के साथ हो सकती है कल को, और अभी भी हमें खतरा बना हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपराधी फिर बाहर निकल के ऐसे ही घूम रहे हैं। ठीक है। मामला ये था सर कि बीते 17 तारीख को बृहस्पतिवार को सुबह मैं 9:30 बजे अपनी कार निकाल कर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि मेरी गली के सामने, मेरी गली दरअसल बंद है और गाड़ी हमारी मतलब एक ही तरफ का रास्ता है, तो वहाँ पर एक रास्ता ब्लॉक करके एक डाला खड़ा हुआ था, तो उस डाले को ब्लॉक को देख के मेरी